जो एक्टोमॉर्फ लोग होते हैं, जो हार्ट गेनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं और बहुत अच्छा वर्कआउट भी करने लगते हैं, पर फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। वो बहुत परेशान है, वो बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं। जो एक्टोमॉर्फ लोग हैं, हार्ट गेनर्स हैं, उनकी मजाक भी बनाई जा रही है, पर फिर भी उनकी मसल गेन नहीं हो पा रही है, उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम समझ लेते हैं वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। कुछ ऐसी डाइट की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और जिम में जाके कुछ वर्कआउट में थोड़े से चेंजेस आपको करना है, जिससे अपनी मसल गेन कर पाओगे, अपना वजन को बढ़ा पाओगे और आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने ये चीज़ें 6 से 8 हफ्ते तक फॉलो कर ली, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एक्टोमॉर्फ लोगों की, एक्टोमॉर्फ लोग वो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और वो जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें वो खाते हैं, वो उनके शरीर पर नहीं लगता है, उनका वजन नहीं बढ़ पाता है, उनको भूख वगैरह भी इतनी नहीं लगती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको नेचुरल डाइट फॉलो करना है। जब वजन बढ़ाने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करूँ। मेरे पास भी मैसेज करते हैं लोग और हमारी जिम में भी जब लोग आते हैं कहते हैं यार वजन बढ़ाने का कोई सप्लीमेंट बता दो या फिर वेट घटाने का कोई सप्लीमेंट बता दो। पर ना तो कोई वजन बढ़ाने का कोई सप्लीमेंट होता है, ना तो वेट घटाने का कोई सप्लीमेंट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलोरीज पर डिपेंड करता है कि कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं पूरे दिन के अंदर, तभी आपका वजन बढ़ता है। और जो इंसान हार्ट गेनर है, एक्टोमॉर्फ है, उनको थोड़ी कैलोरीज बढ़ाकर खाना होती है, करीब 400, 500, 600 कैलोरीज सरप्लस में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, उनका भी वजन बढ़ जाता है। आपको नेचुरल फूड ऐड करना है, जैसे आप स्वीट पोटैटो ऐड करें, ओट्स ऐड करें, दलिया ऐड करें, मिल्क या उससे बने प्रोडक्ट्स ऐड करें, आप आलू वगैरह ऐड कर सकते हैं, दही खा सकते हैं। तो ये सारी नेचुरल फूड हैं जो कि आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे। रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करोगे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कमज़ोरी रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो, उनकी गेनिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो आपको नेचुरल फूड सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, तभी आपकी गेनिंग होने लग जाएगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, आपको अपनी डाइट के अंदर लिक्विड कैलोरीज ऐड करनी है। अगर आप लिक्विड कैलोरीज ऐड करोगे तभी आप कैलोरी सरप्लस को हिट कर पाओगे। जैसे लिक्विड कैलोरीज की हम बात करें, आप बनाना शेक ले सकते हैं, उसके अंदर आप 2 बनाना ऐड करेंगे, पीनट बटर ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास प्रोटीन या मास गेनर है तो वो उसके अंदर ऐड करेंगे, तो 800 से 1000 कैलोरीज आपको इसी शेक के अंदर मिल जाएंगी, जिससे आप कैलोरी सरप्लस में भी रह पाओगे और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। बहुत सारे लोग कैलोरीज को हिट नहीं कर पाते हैं, तो इस शेक को ट्राई कर सकते हैं। और इस शेक को अगर आपने 1 महीने या फिर 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक भी पी लिया तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप वर्कआउट करने के लिए जाओगे, एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी आपको मिलने वाली है। तो इस शेक को आपको ज़रूर ट्राई करना है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्या होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड? बहुत सारे जो लड़के लोग जिम करने के लिए जाते हैं तो वो सेम एक्सरसाइज करते हैं, सेम वर्कआउट करते हैं, सेम वेट उठाते हैं, जिससे उनकी बॉडी पर, उनकी मसल्स पर इतने अच्छे से लोड नहीं आता है, जिससे उनकी मसल्स में ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट इंक्रीज करें, उसकी फॉर्म इंक्रीज करें, उसके नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ रेपिटेशन इंक्रीज करें, जिससे आपके मसल्स पर अच्छे से लोड आएगा और आपकी मसल ग्रोथ होने लग जाएगी। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, आपको थोड़ा सा हैवी वेट चूज करना है। बहुत सारे लोग सेम वेट से एक्सरसाइज करते हैं काफ़ी हफ्तों तक, काफ़ी महीनों तक और सालों तक, जिससे उनकी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें वेट इंक्रीज करने की कोशिश करें। ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं अपने, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे बेंच प्रेस कर रहे हैं, चाहे पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, या फिर आप डेडलिफ्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको कोशिश करना है थोड़ा हैवी उठाएं। अगर आप हैवी वेट उठाओगे तो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं उस समय, और जब हम घर पर जाते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो हमारी मसल्स रिपेयर होने लग जाती हैं। तो आपको कोशिश करना है थोड़ा सा हैवी वेट उठाने की कोशिश करना है। आपका कोई ट्रेनर है जिससे आप ट्रेनिंग लेते हैं, या आपकी जिम में कोई अच्छा कोच है तो उसकी सलाह ले सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पार्टनर है जिम का तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, आपको कंपाउंड एक्सरसाइज पर फोकस करना है। कंपाउंड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें एक टाइम में एक मसल ग्रुप से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको कोशिश करना है कंपाउंड एक्सरसाइज पर फोकस करने, जैसे आप पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, डेडलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस करोगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा,
आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हार्ट गेनर्स के लिए हैं। आपको सबसे पहले नेचुरल डाइट आपको ठीक करनी है, और जब आपको थोड़ा बहुत वक्त हो जाए एक्सरसाइज करते हुए, एक प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। आपको डे वन से प्रोटीन ऐड नहीं करना है कि मुझे वे प्रोटीन ऐड करना है। अगर आपका बजट थोड़ा बहुत ठीक है तो एक महीने के बाद में आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही स्किनी है तो वो मास गेनर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और आप कैलरी सरप्लस में भी रह पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें दो दोस्तों के साथ में।